दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में मैं टेंस डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले टाइमलाइन डायग्राम के मेथड से मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं कि टाइमलाइन डायग्राम आखिर था क्या, फिर मैं आज आपको व्हेन के स्ट्रक्चर, आफ्टर के स्ट्रक्चर और बिफोर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको किस तरीके से हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं पेपर के अंदर, वो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो टाइमलाइन डायग्राम हम कुछ ऐसे बनाते थे। प्रेजेंट को हम सिर्फ एक पॉइंट मानते थे। ठीक है, ये हो गया नाउ यानी कि प्रेजेंट। जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें पास्ट नजर आता है, तो ये हो गया हमारा पास्ट। और आगे की तरफ देखते हैं तो हमें फ्यूचर नजर आता है, ये हो गया फ्यूचर। अब हर एक सेंटेंस को मैंने टाइमलाइन डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उसको समझकर, उसके नेचर को समझकर, अगर उसमें एरर दिया गया तो उसको कैसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी रूल के, बिना किसी भी चीज को रट्टा मारे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज हमारे पास क्या सेंटेंस है। When I got there, they were eating something. ठीक है, ये दो क्लोज एक साथ जोड़ रखे हैं और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये सबोर्डिनेट क्लोज है और ये वाला जो पार्ट है ये मेन क्लोज है। ठीक है, अब बात ये है कि आखिर ये कैसे काम कर रहे हैं। इस क्लोज के अगर मैं टाइम की बात करूं तो वी टू दे रखा है यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट पर ये हो रहा है। चलिए मान लेते हैं कि ये पास्ट के इस पॉइंट पर हो रहा है, समझ गए आप लोग। ये पास्ट का कोई भी पॉइंट मान लिया जब ये हुआ, फिर ये क्या कह रहा है, दे वर ईटिंग समथिंग, यानी कि यहां पर सेंटेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट से पहले ये स्टार्ट होना चाहिए और इस पॉइंट के ऊपर ये क्या है, ऑनगोइंग था। तो इससे पहले हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब पास्ट के इस पॉइंट से जब हम इसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये एक्शन वहां पर ऑनगोइंग था। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो डायग्राम बना ये पास्ट कंटिन्यूस का बना। मैंने आपको सेकंड या फिर थर्ड वीडियो जो थी हमारी टेंस की टाइमलाइन मेथड से, उसमें हर एक टेंस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा डायग्राम होता है, वो मैंने बनाकर दिखाया था। और जब ये डायग्राम बनता है तो ये डायग्राम होता है पास्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, ये पॉइंट जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा और ये पॉइंट जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट से पीछे की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जब भी प्रेजेंट से पीछे की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहला एक्शन जो होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनेट का। ठीक है, तो ये V2 में और ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेन के थ्रू जब हम पास्ट के किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में हम मेन क्लोज के अंदर कौन कौन से टेंस ले सकते हैं, सेंटेंस को कहां कहां पर रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए ये वाला पार्ट सेम है और यहां पर हमने क्या लिया V2। अब ये डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि क्या ये बात लॉजिकल है, अगर लॉजिकल है तो हमें सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है और अगर लॉजिकल नहीं है तो इसे हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए मान लेते हैं प्रेजेंट का पॉइंट हो गया, ये वाला पार्ट पास्ट और ये वाला पार्ट फ्यूचर। तो When I got there, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पहला एक्शन हुआ, they ate something। अब वो क्या कह रहा है कि ये भी V2 पे हुआ,
तो क्या ये माना जा सकता है कि दोनों एक ही पॉइंट पर डिफाइन किए गए? ठीक है, यानी जिस टाइम पर ये एक्शन हुआ उसी टाइम पर ये एक्शन हुआ, तो दोनों का टाइम एक ही टाइम पे दिखा है। व्हेन आई गोट देयर दे एट समथिंग। ओके, तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन को किस तरीके से दिखाता है। अगर वो उस टाइम पर पास्ट के किसी पॉइंट पर उसको ऑनगोइंग दिखाता है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। अगर वो उसी पॉइंट पर बताता है, वो उसकी कंटिन्यूटी पर फोकस नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से ये नहीं बताना चाह रहा कि वो कंटिन्यूस है नहीं है, वो बस बता रहा कि उस पॉइंट पर वो हुआ, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनेट में रख सकते हैं। तीसरा केस क्या बन सकता है? तीसरा केस देखिए, व्हेन आई गोट देयर, ये भी पास्ट का एक पॉइंट बताया, तो हम डायग्राम बनाएंगे और उसे समझेंगे। तो पास्ट का एक पॉइंट मान लेते हैं, ये वो पॉइंट हो गया, ठीक है, इस क्लोज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दे हैड इटन समथिंग, ये किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट परफेक्ट का। तो अगर यहां पर पास्ट परफेक्ट है तो इसका मतलब पास्ट से भी पहले, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, पास्ट से पहले कंप्लीट हुआ है। तो अगर ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इससे पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं इससे पहले होना चाहिए, यहां पर मान लेते हैं। तो ये जो डायग्राम बना, हम बताना चाहते हैं कि इस टाइम पर जब हम किसी एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि ये वाला जो एक्शन था वो कंप्लीट था। ठीक है, तो ये जो है ये V2 में और ये हेड प्लस V3 में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि व्हेन क्लोज के अंदर जब मैं V2 ले रहा हूं तो यहां पर V कंटिन्यूस भी दिखा सकता हूं, V2 में भी दिखा सकता हूं, हेड प्लस V3 में यानी कि परफेक्ट भी दिखा सकता हूं। ठीक है, तो फिर गलत कैसे होगा? देखिए, कुछ ना कुछ ऐसे हिंट आपको पेपर के अंदर वो जरूर देगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको परफेक्ट में लेके जाना है, ऑनगोइंग दिखाना है, या फिर उसी के ऊपर ओवरलैप दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर व्हेन क्लोज जो है, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं, जो टाइम के बारे में बताने का काम कर रहा है, अगर वो किसी पास्ट के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम मेन क्लोज को हम पास्ट इंडेफिनेट में भी रख सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में भी रख सकते हैं और पास्ट परफेक्ट में भी रख सकते हैं। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ही जायज है ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना कि सर क्या कभी इसमें फिर गलती नहीं होगा? देखिए, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि स्पीकर क्या कहना चाहता है, क्या वो बात को कंप्लीट बताना चाहता है, ऑनगोइंग बताना चाहता है, ओवरलैप करवाना चाहता है कि उसी पॉइंट पर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर हुआ, तो ये कैसे होगा? देखिए, डायग्राम के बीच में डिफरेंस समझना होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है, पास्ट इंडेफिनेट लिया जाए या पास्ट कंटिन्यूस लिया जाए, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए जो हेल्प आपको मिल सकती है वो ये कि पास्ट इंडेफिनेट तब लेंगे जब एग्जैक्ट ओवरलैपिंग होगी। पास्ट कंटिन्यूस कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से डायग्राम हेल्प करेंगे हमारी। ये डायग्राम तब बनेगा जब जो दो एक्शन दे रखे हैं दोनों के दोनों ही टाइम टेकिंग नहीं है। अगर हमें प्रिफरेंस देनी है पास्ट इंडेफिनेट दिखाना है कि पास्ट कंटिन्यूस, अगर दोनों के दोनों टाइम टेकिंग नहीं है और उनके बीच में ओवरलैपिंग है तो फिर डायग्राम बनेगा ये। और अगर दोनों के दोनों में से एक टाइम टेकिंग है, ठीक है, बैकग्राउंड इवेंट के तौर पर काम कर रहा है, तो फिर डायग्राम बनेगा ये। और जो बैकग्राउंड इवेंट होगा वो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। इसके ऊपर आगे आके मैं क्लोज टेस्ट भी डिस्कस करने वाला हूं, एक नहीं बल्कि दो, जहां पर मैं बैकग्राउंड इवेंट को अच्छे से डिस्कस करूंगा कि कब हमें उसको कंटिन्यूस में लेके जाना होता है। तो अभी हमें पता है कि टाइम टेकिंग होना चाहिए, बैकग्राउंड इवेंट होना चाहिए, तो ही हम उसको कंटिन्यूस में लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसको किस तरीके से सेंटेंस हमारी हेल्प कर सकता है कि हमें उसको किस टेंस में लेके जाना है।
तो देखिए पहले When he tried to stand up, पहले इसको डायग्राम बनाते हैं इसका, ये मान लेते हैं प्रेजेंट, ये पास्ट और आगे वाला पार्ट फ्यूचर। तो इसको मैं कह सकता हूं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर उसने ट्राई किया, ठीक है। आगे क्या बोला, ही रियलाइज, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में दे रखा है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों एक ही पॉइंट पर हो सकते हैं, हो सकते हैं तो ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में टाइम एक एग्जैक्ट एक ही टाइम पर ओवरलैप नहीं, अलग अलग जगह है, तो हमें देखना पड़ेगा कंटिन्यूटी है कि परफेक्ट है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जिस वक्त आदमी ने ट्राई किया उठने की, उसी टाइम पर उसको रियलाइज हो सकता है, तो ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं इसी पॉइंट पर रियलाइज होने का काम हो सकता है, तो ये हो गया ओवरलैप। आगे क्या बोला, ब्रोक हिज एंकल। तो अब देखो, कोई व्यक्ति था, वो खेलते खेलते गिर गया, और जब वो उठा ठीक उसी टाइम पर उसने रियलाइज किया कि, तो देखो रियलाइज और ट्राई इन दोनों का टाइम सेम हो गया, लेकिन ये जो है एंकल के टूटने का टाइम जो है वो तो इससे पहले रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर ये पहले रहा होगा तो बात क्लियर है, ये दोनों जाएंगे वी टू में और ये चला जाएगा हेड प्लस वी थ्री में, ये बात क्लियर हुई। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हेड ब्रोकन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे जैसे सेंटेंस डिस्कस होते जाएंगे बात और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। व्हेन ही ट्राइड टू स्टैंड अप, अब इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट मान लिया हमने जब उसने उठने की कोशिश की, ब्रोक हिज एंकल, तो क्या ये माना जा सकता है। देखिए यहां पर इसमें और इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, रियलाइज होगा। रियलाइज हम कब करते हैं, ध्यान से सोचो, अपनी बुद्धि को जगाओ, ठीक है। सिलेक्शन रूल नहीं करवाएंगे, आपका जो लॉजिक होगा, आप जो सीखेंगे चीजों को, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, स्किल है ये, और स्किल को रटा नहीं जा सकता, सीखा जाता है। तो रियलाइज कब होता है, चीज होने के बाद, ठीक है। लेकिन यहां पर ये तो हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति था, उठते उठते पैर टूट गया उसका, पॉसिबल है कि नहीं। तो यहां पर ओवरलैपिंग दिखाई जा सकती है, उठ रहा था और टूट गया। तो इस हिसाब से यहां पर अगर ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है, तो हम दोनों को वी टू में रख देंगे। जब हम प्रेजेंट के पॉइंट से पीछे की तरफ जाते हैं तो हम उसको, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट की तरफ मूव करेंगे, पहला पॉइंट जो मिलेगा वो V2 में होगा, पास्ट इंडेफिनेट में हम डिस्क्राइब करेंगे उसको, ठीक है। तो यहां पर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर इससे दिक्कत थी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि डिफरेंस क्या है, किस हिसाब से मैं बताना चाहता हूं आपको। अब आगे देखते हैं क्लास, देखो ध्यान से। A dog attacked her. चलो इसको टाइमलाइन के हिसाब से हम पहले इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, बनाते हैं टाइमलाइन डायग्राम। तो ये V2 है, मान लेता हूं ये वो पॉइंट है जहां पर इस डॉग ने हर पे अटैक किया, ठीक है। आगे देखो, ये भी क्या लिखा है, V2। She crossed the road. अब दोनों के दोनों V2 में, ठीक है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो चीज है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूं, पहले मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा रहा था, रियलाइज से मुझे पता चला कि ये काम पहले हो चुका है, जैसे मुझे पता चला कि ये काम पहले हो चुका है तो मैंने इसको परफेक्ट में रख दिया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस समझिएगा, यहां पर ये जो है टाइम टेकिंग नहीं है, इसलिए मैंने इसको V2 में रखा, ठीक है। तीन ही डायग्राम पॉसिबल है, परफेक्ट का, कंटिन्यूस का और इंडेफिनेट का, ठीक है। ओवरलैपिंग हो जाएगी तो इंडेफिनेट हो गया, अलग अलग पे है तो परफेक्ट हो गया, और अगर कंटिन्यूटी दिखाएंगे तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहां पर ये टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन ये तो टाइम टेकिंग है, और अगर ये टाइम टेकिंग है तो इट इज बेटर कि हम इसको लिखें सी वाज क्रॉसिंग, यानी कि यहां पे स्टार्ट किया होगा उसने, ये क्रॉस कर रही थी
और इस पॉइंट पर अटैक हो गया। तो हमें समझना होगा कि जब टाइम टेकिंग इवेंट है तो हम उसको कंटिन्यूस में रखेंगे, टाइम टेकिंग इवेंट नहीं है, एग्जैक्ट ओवरलैपिंग है तो उसको V2 में रखेंगे। और सेपरेटली अलग अलग टाइम पे हुए हैं, अलग अलग पॉइंट पे हुए हैं टाइम के, तो उसको हम एक को परफेक्ट में और एक को इंडेफिनेट में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसे थोड़ा और क्लियर होगा, मैं यहां पर बनाता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। ठीक है, अ गर्ल स्लैप्ड विकी, इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि थप्पड़ मारने का काम हो। ठीक है, ही वॉज टर्निंग अराउंड। ठीक है, तो ये मैंने दिखाया कंटिन्यूस। अब बात ये है कि कंटिन्यूस में कब जाएगा, जब वो टाइम टेकिंग होगा। अब बताओ मेरे को, टर्न करना कोई टाइम टेकिंग है क्या? नहीं। जैसे कोई बोलेगा, मैंने आपको पहले बताया, अगर आप अभी मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप टेंस की स्टार्टिंग से देखें। ठीक है, अभी देखने लगेंगे तो आप इन सब में उलझ जाएंगे। पहली वीडियो से देखें, मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन आप अगर सोचें कि अभी मैं तुरंत इसको देखूं और समझ आ जाए सारी चीजें, बीच में से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहली वीडियो से लेके इस वीडियो तक आइए, एक एक चीज क्लियर होती आएगी। तो टाइम टेकिंग होना जरूरी है, ये टाइम टेकिंग नहीं है। चुटकी बजाते जो चीज हो जाएगी उसको कंटिन्यूस में नहीं रख सकते थे, इसके ऊपर मैंने पूरा डिस्कशन किया। तो अगर ऐसा है तो इसको कंटिन्यूस में रख नहीं सकते, तो हम इसको V2 में ले जाएं, क्योंकि ओवरलैपिंग तो है नहीं, हम उसको कंप्लीट नहीं दिखा सकते। उसको कंप्लीट दिखा देंगे तो फिर ये होगा कैसे? ठीक है, तो यहां पर टर्न अराउंड, यानी कि दोनों के दोनों एक ही टाइम पर हो गए। यहां पर उसने टर्न किया, यहां पर उसने थप्पड़ मारा। ठीक है, ये बात समझ आई दोस्तों? आज की क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट को कैसे इस्तेमाल करना है जब वेन के थ्रू हम पास्ट के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ आया होगा। कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जब वेन के बाद V2 दे रखा हो तो आगे का स्ट्रक्चर V2 में भी जा सकता है, वाज वर प्लस V1 प्लस ING में, यानी पास्ट कंटिन्यूस में भी जा सकता है, और हेड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट में भी जा सकता है। ठीक है, अब कब कौन सा सही होगा वो हमें डिस्कस करना था। पहला पॉइंट, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों बातें लॉजिकल नजर आए, यानी हम पास्ट इंडेफिनेट यूज करें तो भी सही नजर आता है, कंटिन्यूस देखें तो भी सही आता है, और परफेक्ट देखें तो भी सही नजर आता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हिंट हमें दे रखी होगी जिसकी सहायता से हमें पता चल जाएगा कि हमें परफेक्ट लेना है, कंटिन्यूस लेना है या इंडेफिनेट लेना है। एक बात से आप एग्री होंगे कि अगर हमें इंडेफिनेट लेना है मेन क्लोज में तो एग्जैक्ट ओवरलैपिंग होगी, कंटिन्यूस लेना है तो ओवरलैपिंग है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, ये एक्शन इस एक्शन से पहले स्टार्ट हो चुका है। और जब परफेक्ट लेना है तो ओवरलैपिंग है ही नहीं, दोनों सेपरेट एक्शन है। तो पहले तो ये चेक करें कि ओवरलैपिंग है या ओवरलैपिंग नहीं है। पता चले जब ओवरलैपिंग है तो उसके बाद क्या करें, हमें पता है कि या तो वो इंडेफिनेट जाएगा या कंटिन्यूस जाएगा, फिर हम ये चेक कर लेंगे कि जो मेन क्लोज है या फिर जो उनमें से कोई भी, उनमें से क्या कोई एक्शन टाइम टेकिंग है। अगर वो टाइम टेकिंग है, क्योंकि देखिए यहां से लेके एक्शन को यहां तक आने के लिए उसको टाइम टेकिंग होना जरूरी है। अगर टाइम ही नहीं मिलेगा तो एक्शन जहां पे शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये बात समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा करना। ठीक है, और परफेक्ट के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि दोनों के बीच में टाइम में सेपरेशन है। और जब हमें यह पता चलेगा कि दोनों अलग अलग टाइम पे हुए हैं तो जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में और जो प्रेजेंट के नजदीक है उसको पास्ट इंडेफिनेट में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको आफ्टर और बिफोर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, यानी इन्हीं डायग्राम्स का बेहतर तरीके से और अच्छे लेवल पर डिस्कस मैं करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट में लिखकर यह बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी है तो ईमानदारी से नीचे लिखें ताकि मुझे भी ये फील हो कि स्टूडेंट्स को मेरी मेहनत पसंद आ रही है। ठीक है,
तो इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, नीचे कमेंट में जाकर आपको लिखना है, और प्लीज मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।